अरे बच्चों, लंगड़ा भीम का पार्ट वन आपको मैंने पेश किया, बहुत ही उसका प्यार दिया। अब हम इसका हम आगे का कंसेप्ट सीखते हैं पार्ट टू में। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दे दे तो हम कैसे बनाएंगे। लंगड़ा भीम में गौर करना, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, कुछ भी दे सकता है और इसमें आपका मल्टीपल इसका योग कुछ भी पूछ सकता है, तो हम कैसे बनाएंगे। अगर बेसिक तरीका से इसको बनाया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत लेंदी हो जाता है, अतः इसको शॉर्ट फॉर्म पूछते हैं। लेकिन उन विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट होगा जो इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं मेरा वाला, वो जरूर इसका पहला पार्ट देख लें। और उसमें कॉमेंट्स भी कुछ विद्यार्थी किए थे कि सर ये बताइए कि अगर अगर यहाँ पे सारे जो भिन्न आपने बताया पहला पार्ट में, सब में यहाँ पे अंश में एक 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 था, अगर इसके स्थान पे दो तीन चार पाँच होता तो हम कैसे बनाएं। तो अंत में उसका भी हम डिस्कस करेंगे आपके बीच कि उसको कैसे बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहले इस क्वेश्चन को देखें, उसके बाद उस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो मान दिया हुआ है उसमें बड़का में छोटका से भागा देना है आपको, यानी कि महत्तम से बड़तक जो निकालते थे ना आप, भाग विधि से वही आपको निकालना है। तो 26 में 9 से भागा दीजिए तो कहेगा 9 दूनी 18, नहीं ये आपका बच जाएगा 16 में से 8 गया 8, 8 से पुनः भागा दीजिए 9 में, एक बार जाएगा ये आ जाएगा एक, एक से पुनः भागा दीजिए, यानी कि जिस प्रकार से महत्तम सवर्तक निकालते हैं ना उसी ढंग से आप ये क्रिया को कर लीजिए। क्लियर है। अब ये क्रिया अगर हो गया तो बस आपका काम समाप्त हो गया। ए वाला जो ये था, ए वाला इसका मान निकलेगा। क्लियर। ए वाला बी का मान ए वाला हो जाएगा और ये सी का मान ए वाला हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे कि ए का मान 2 हो गया, बी का मान 1 हो गया, सी का मान 8 हो गया। अब इसको बैठा कर इसको हल कर दीजिए। आपको तीनों का योग निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए आपका है 2, बी है 1, सी है 8। इसको हल करिएगा तो आपका आ जाएगा 11, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, चलो इस तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा कंसेप्ट 100%। यहाँ पे देखो इतना का मान दे रखा है 17/60। आपको मैंने क्या कहा, जिस प्रकार से भाग विधि से महत्तम सवर्तक निकालते हैं उसी ढंग का क्रिया करिए, यानी बड़का में 60 में 17 से आप भागा दीजिए। ठीक है, तो कहेगा 37/51, ये आपका आ जाएगा 9, 9 से भागा दीजिएगा तो कहिएगा एक बार लगेगा ये आ जाएगा 8, 8 से भागा दीजिएगा 9 में तो फिर एक बार जाएगा ये आ जाएगा एक, एक से पुनः भागा देना होगा 8 में तो 8 बार चल जाएगा ये आपका कट जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ए वाला का मान ए वाला निकलेगा ए, और ई मान हो जाएगा बी का, ए वाला मान हो जाएगा सी का, और ए वाला मान हो जाएगा आपका डी का। यानी सब का मान आपका पता हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे चारों को गुणनफल पूछा है, ए गुना बी गुना सी गुना डी। नहीं, अब देखो ए का मान आपका कितना है 3, बी का मान 1, सी का मान भी 1 है और डी का मान क्या है 8। इसको गुना करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 24। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर प्रश्न में यहीं पे है ना ए के स्थान पे 2a दे दे, 5b दे दे, 7c दे दे, ऐसा दे दे तो कैसे बनाएंगे, उसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से ये भी बनाएंगे। इतना का मान दे रखा है 30/43, हम क्या करेंगे तो बड़का में यानी कि 43 में 30 से भागा देंगे। सेम प्रक्रिया होगा भैया, एक बार जाएगा 30, ये आ जाएगा 13, 13 से 30 में भागा देंगे तो 13 × 26, ये आ जाएगा आपका 4, 4 से भागा देंगे 13 में तो 4 × 3 = 12, ये आ जाएगा 1। अब 1 से पुनः भागा देंगे 4 में तो 4 बढ़ जाएगा, ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा। यानी आपको बताए हैं कि पहले वाला मान इसका होगा, यानी ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए वाला मान इसका होगा यानी 2b का मान होगा, ये गौर से सुनना, 2b का मान 2 होगा। अब यहाँ पे देखो ए वाला मान किसका होगा 3c का होगा, ए वाला मान किसका होगा ए वाला डी का होगा। ये सब का मान आपका निकल गया, लेकिन हमें ए का चाहिए तो एक। अब यहाँ पे गौर करो, बी का हमें मान चाहिए था यहाँ पे ना, तो इससे अगर देखोगे तो ये 2b = 1 है तो बी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 = 3c है तो सी का मान क्या हो जाएगा 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा। हमें सब का मान निकल गया, चारों का योग हमें निकालना है। तो ए आपका है 1, बी आपका कितना होगा भैया 1 होगा, सी आपका कितना होगा तो 1 होगा, डी कितना होगा तो 4 होगा। नहीं, अब एक वाला मान आपका जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 4, 5, 6, 7 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी सी आपका ऑप्शन सही होगा। अब हम विचार करते हैं उस क्वेश्चन पे जो विद्यार्थी कमेंट्स करके हमसे पूछे थे। ऐसा क्वेश्चन आप सब देख लिए थे, यानी जिसका अंश में सिर्फ एक 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 होता था, एक 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 होता था, एक 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 होता था, उसको बनाना हम पहला पार्ट में बता दिए थे। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो विद्यार्थी कमेंट्स करके, एक विद्यार्थी पूछे थे हमसे कि यहाँ पे सर अगर एक के अलावा 3 हो 2 हो कुछ ढंग का प्रॉब्लम हो तो हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी क्लियर करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप इसको पहले उठाते थे, अगर वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट वन तो पहले पार्ट वन को देख लीजिए, तब ये कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसके आगे से हम बता रहे हैं 4 है और ये लिखा हुआ 5 है, यहाँ से लिखते थे 4 5, अब यहाँ पे था 1 तो 1 देते थे, 5 था तो 5 देते थे, 2 था तो 2 देते थे, ये बात आप समझते हैं। क्लियर। अब इसको मैं थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से तो आप शुरुआत यहाँ पे कर ही चुके हैं, है ना, इसके काम तो आपको समाप्त ही है। यहाँ से
ये कितना है अंश में तीन है, तो यहाँ पे बटा देकर तीन डाल दीजिए। यहाँ पे कितना है दो है, तो यहाँ पे बटा देकर दो डाल दीजिए। बस इतने आपको काम करना है और नया कुछ भी नहीं करना है। अब आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या करते थे, ये दोनों को जोड़ते थे, नहीं तो कहिएगा पाँच चार नौ, नौ भागा तीन करिएगा कितना आ जाएगा भैया तीन, तीन इसको पढ़ना है। अब क्या करते थे, इसे गुणा करके इसको ऐड करते थे, तो पाँच या पंद्रह और पाँच बीस, बीस अब इसको काटे कितना आ जाएगा दस आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये दस दूनी बीस और तीन तेईस, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया भैया, तेईस बटा दस आपका प्रश्न का उत्तर होगा, तेईस बटा दस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दो तीन चार पाँच कुछ भी हो तब भी इस मेथड से आप उसको बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ से हमको उठाना होता है तो क्या होगा सात होगा, उसके बाद क्या लिखेंगे आठ, उसके बाद एक है, उसके बाद दो है, उसके बाद तीन है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पे एक के अलावा है, यहाँ पे एक के अलावा बटा है तीन, तो तीन डाल दीजिए। यहाँ पे क्या है नौ है, यहाँ पे बटा नौ डाल दीजिए। सेम प्रक्रिया आपको करना है जैसे आप करते थे, क्या करते जोड़ते थे, तो आठ और सात, आठ और सात क्या होगा पंद्रह, यहाँ पे डाल दीजिए कितना आ जाएगा भैया पाँच आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से गुना करके इसको जोड़ते थे, तो पाँच दुनी दस और अठारह, अठारह यहाँ पे डालिए तो कितना होगा नौ दुनी अठारह दो हो गया। अब इससे गुना करके जोड़ते थे तो तीन दुनी छः और पाँच ग्यारह, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया भैया, क्या होगा ग्यारह बटा टू आपका प्रश्न का जवाब होगा। हमें लगता है ये सारी बात आप समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैंने ये भी सीख लिया कि अगर एक के अलावा यहाँ पे अंश में कुछ और भी डाल देगा तब भी क्वेश्चन को हम बना लेंगे, है ना। तो चलिए ये था आपका लंगड़ा भिन्न का आज का पाठ, हमें दीजिए विदा। अगर क्लास बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक तो आप करते ही हैं, और कॉमेंट्स जरूर दें कि आपको ये क्लास कैसा लगा। हमें दीजिए विदा, ओके।